साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह आपके लाइब्रेरी साइंस के किसी भी पेपर के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। संपूर्ण भारतवर्ष में आप कहीं भी लाइब्रेरी साइंस का अगर कोई भी पेपर देंगे तो आपको इफ्ला का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कम से कम एक क्वेश्चन आपको आवश्यक रूप से देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट तरीके से परिचर्चा करेंगे। यहां से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बच नहीं सकता। अगर इस क्लास को आज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यह तय मान के चलिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आज आपका पक्का हो गया। कहीं से भी किसी भी सूरत में अपनी क्लास के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आपकी किसी भी एग्जाम में। तो आज की क्लास में आप बहुत ही तन और मन लगा करके पढ़िएगा। हां, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि कल की क्लास आपकी मिस हो गई थी। तो जो क्लास मिस हो जाती है उसकी भी पूर्ति मैं अगली क्लास में करने की कोशिश करता हूं। तो आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी होगी, कई बार ना चाहते हुए भी अपरिहार्य कारणों की वजह से मुझे क्लास मिस करनी पड़ती है। अदरवाइज मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का एक भी दिन का नुकसान हो, कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका एक भी दिन खराब हो। मैं भी यार इंसान हूं, मुझे भी कई बार जरूरी कार्य हो सकता है, इसी वजह से मैं छुट्टी कर लेता हूं। अदरवाइज मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी एक भी छुट्टी हो। मैं कंप्लीटली आपको मेरा पूरा का पूरा समय आपको देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मेरे ना चाहते हुए भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। खैर, लेकिन आप उस चीज की चिंता कतई ना करिएगा। जब भी मैं क्लास मिस करता हूं तो उसकी कसर जरूर अगली क्लास में निकालने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है। खैर, बात करते हैं इफ्ला की, और इफ्ला की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। आज आपका चौथा टेस्ट रविवार को फिर से आयोजित हो रहा है। अभी तक भी किसी ने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेस्ट ज्वाइन कर लो, नहीं रोगे। वो क्या करें ना, कनपट्या पर हाथ दे रोग आवाज। ये डर अभी निकाल लो, नहीं एग्जाम में तुम्हें फिर से सताएगा। सामना तुम्हें इस एग्जाम का बाद में भी करना पड़ेगा। अभी टेस्ट देने के यूज टू आप हो जाइए, आदि आप हो जाइए, नहीं तो फिर समस्या फाइनल एग्जाम में होने वाली है। जो कमियां अपने अंदर आ रही हैं उनका मालूम हमें अभी चल जाएगा, पता चल जाएगी कहां अपने को दिक्कत होती है, कहां हम मिस्टेक करते हैं, जो स्लिम मिस्टेक है अपनी किस टाइप की हो रही है। अदरवाइज वहां आपको फेस करना पड़ेगा और वहां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यहां आपको पता चल जाएगा मुझे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किनको छोड़ना है, तब जाके बोले मेरी देखो मैं क्या करता हूं, कब क्वेश्चनों को और कैसे क्वेश्चनों को छोड़ता हूं जिससे मेरी रैंक आ जाती है, कब मैं क्वेश्चंस को फालतू में अटेम्प्ट कर देता हूं तो मेरी रैंक गिर जाती है। तो ये सारे सुधार जो है ना अभी हो सकते हैं। अभी आप टेस्ट लगाएंगे बार बार तो ये सुधार होंगे, और 200-400 रुपए के चक्कर में अगर तुम ये देख गए तो ये मान के चलिएगा वहां आपको 100% इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है। देखो किसी को बार बार ये चीज हम कहे तो उन्हें थोड़ा सा उल्टा फील होता है। आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर सोचिएगा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ भी मुझे फायदा नहीं है, बस मेरा यही उद्देश्य था कि जो मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं वो किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाए। टेस्ट फिर से होने वाला है और आपको मालूम ही है पिछले 7 दिन में हम जितना भी पढ़ते हैं
उसका टेस्ट आयोजित होता है और उसमें से आपको रैंक निकालनी होती है। टॉपिक कौन कौन से होंगे? आपका आइजलिक होगा, आइटलिस होगा, ट्रिपल आर एल एप होगा, आई एल ए होगा, ए एल ए होगा, इफ्ला होगा, यूनेस्को होगा, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अभी आज है गुरुवार, तो शुक्र और शनि दो दिन आपके पास शेष और बचे हुए हैं, तो इन दो दिन में जो भी हम और पढ़ने वाले हैं वो भी इस टेस्ट में शामिल होगा। अब तक किसी ने अगर लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, नया वाला ऐप, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट ना देने वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। देखो रोज रोज अगर आपको मैं ये कहता हूं ना कि टेस्ट दो सुधार करो सुधार करो, रोज रोज कहना मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि किसी सो बाठा करके मैं एक तो लागे गिना गए, इसलिए मैं तुम्हें रोज रोज कहता हूं। और कहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है 500 के आसपास बच्चों ने और टेस्ट दे रहे, देखो एक्टिव कितने हैं आप खुद अंदाजा लगा लो, सिलेक्शन वाले बच्चे कितने हैं आप खुद अंदाजा लगा लो, 500 बच्चे वो हैं जो एग्जाम में सिलेक्शन लेने की सोचते हैं, उन्होंने ये सोच रखा है कि मुझे किसी भी तरीके से इसमें सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने का सपना रखते हैं, वो है 500 बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले। लेकिन उनमें से भी घोर इच्छा, जिसे आप कहते हैं ना प्रबल इच्छा, कि साम दाम दंड भेद भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन इस बार सिलेक्शन निकालूंगा, वही बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी ने तो लेके छोड़ दिया। 500 में से लगभग 150 बच्चों ने टेस्ट दिया है, बाकी आप सोचिए कहां स्टैंड करते हैं, और फिर वो कहां स्टैंड करते होंगे जिन्होंने अभी तो टेस्ट देने की ही नहीं ठानी, अभी तो सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि एक बार मैं पढ़ तो लूं बाद में दे लूंगा टेस्ट, ये बाद आज तक नहीं आया। टेस्ट अभी से देना शुरू कर दो, टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, अब टॉपिक वाइज टेस्टों को छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद तो हम कंप्लीट ओवरऑल पेपर की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, फिर तो वो कंप्लीटली आपको ज्वाइन करना ही करना है, टॉपिक के हिसाब से तैयार करते जाओ, वो टेस्ट देने में अलग ही आनंद आएगा। खैर आज इफ्ला को हम पढ़ रहे हैं, IFLA इफ्ला, पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एंड इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन शब्द है ना वो इसकी स्थापना के बहुत बाद में जोड़ा जाता है, स्थापना होती है 1927 में, 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना हो जाती है आपके एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। बाद में 1971 में इसके मुख्यालय का स्थानांतरण हो जाता है और आपकी द रॉयल लाइब्रेरी है हेग नीदरलैंड के अंदर, वहां पर इसका मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि स्थापना कहां हुई और अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है। स्थापना की बात करें तो आप बताइएगा, सर 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में स्थापना, मुख्यालय वाले वर्तमान में कहां है? आप कहेंगे सर द रॉयल लाइब्रेरी हेग नीदरलैंड में आज इसका मुख्यालय है। फिर पूछा जाएगा वर्तमान में जो मुख्यालय है अर्थात आपके द रॉयल लाइब्रेरी में, ये कब यहां आया था? तो आप बताइएगा सर 1971 में यहां आया था। फिर बाद में 1976 की बात करते हैं, 1976 में इसके नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द और जोड़ दिया जाता है। तो ये सारी की सारी बहुत सी सन हमें इफ्ला में आज पढ़नी है और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जो अन इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ ही बता दूंगा कि ये आप स्किप कर सकते हो। खैर चलिएगा शुरू करते हैं आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को।
तो चलिएगा बात करते हैं हम इफ्ला की, और इफ्ला की शुरुआत उसके पूरे नाम के साथ करेंगे। यहां से ही आपका पहला क्वेश्चन निकल करके सामने आता है। क्या है सुनिएगा, इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये वाला इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बोले गुरु जी यहां से क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा इसकी स्थापना को लेकर, स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी। तब आप बताएंगे सर 30 सितंबर 1927 को तो स्थापना हुई थी। बोले कहां हुई थी, आप कहेंगे सर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। इब्ल्यारा बोले तेरी एडी, इब्ल्या एडी, तो एडी से एडिनबर्ग हो जाएगा, इब्ल्या, इब्ल्या से इफ्ला, इब्ल्या बोले एडी, तो एडिनबर्ग में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और एडिनबर्ग कहां पड़ता है, आप कहेंगे सर स्कॉटलैंड में पड़ता है। ठीक है, मुख्यालय अभी कहां है, उस स्थापना के समय की बात नहीं है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, आप कहेंगे सर द रॉयल लाइब्रेरी जो कि हेग नीदरलैंड में है, आज इफ्ला का मुख्यालय वहीं स्थित है। बोले यहां कब आया था, तब आप कहेंगे सर 1971 में आया था। तो ये दोनों चीज आपको याद कर लेनी है। तो मुख्यालय की बात करें तो द रॉयल लाइब्रेरी, और कहां है, हेग नीदरलैंड में है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कब स्थापित हुआ था, आप कहेंगे सर 1971 में यहां पर आ गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन शब्द इसके नाम में कब जोड़ा गया था। इंस्टीट्यूशन तो 7/6 बोले है ना, तो 7/6/1976 बता देंगे आसानी के साथ। अब देखिएगा सामान्य क्वेश्चन है दोनों ही, जो कि लगभग बच्चों को याद है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे आइजैक कुलिजन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे विकी मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप आज इसका क्या बना हुआ है, अध्यक्ष बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप है बोले आज। तो ये सारी चीजें बच्चों के पास ऑलरेडी रहती है और उनको लगभग ये चीजें तो याद है, इसलिए मेरा इन पे ज्यादा फोकस भी नहीं रहता। अध्यक्ष अध्यक्ष जो ये है ना बनते रहते हैं, खैर तो आप गूगल कर लिया करो, कोई चेंज भी हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आने लग गया है अच्छे लेवल के पेपर में, वो आजकल इफ्ला के क्षेत्रीय कार्यालय का भी पूछने लग गए हैं। तो ये तीनों नाम आप याद कर लेना, ये तीनों नाम मैं आपके रविवार को होने वाले टेस्ट में जरूर दूंगा। लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलने वाले हैं। देखता हूं आप लोग कितना पढ़ते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय तीनों नाम होने चाहिए याद, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, और आपका ब्यूनस आयर्स भी मिलता है, कई जगह इसका नाम एयर्स लिखा हुआ भी मिलता है, जो कहां है, अर्जेंटीना में है। प्रिटोरिया, सिंगापुर और ब्यूनस आयर्स, ये तीनों क्षेत्रीय कार्यालय इफ्ला के याद होने चाहिए। तीनों के तीनों अच्छे से याद कर लेना, आपको होने वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं इफ्ला के उद्देश्यों की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। एक बार रीडिंग मार लोगे तो यहां कोई समस्या नहीं होगी, याद हो जाएगा रीडिंग मारने में। चलिएगा पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रावधान और वितरण के उच्च मानकों को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य तो यह है। दूसरा उद्देश्य क्या है, अच्छे पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की मूल्य की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करना। पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के मूल्य, उनके महत्व को व्यापक, जो उनके महत्व की व्यापक समझ है उसको बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना। तीसरा क्या है, विश्व भर के अंदर अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना, अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व अपने को ही करना पड़ेगा, तो इफ्ला स्वयं के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है। ठीक है, बोले ये तीन इसके उद्देश्य हो गए। बात करते हैं सदस्यों की, तो इफ्ला के सदस्य कैसे कैसे बनते हैं उनकी भी आज हम चर्चा करते हैं। तो सदस्य दो प्रकार से बनते हैं, कुछ तो बनते हैं मतदान के द्वारा
और कुछ बनते हैं बिना मतदान के। मतदान के द्वारा कौन कौन से बनते हैं? बोले सर एसोसिएशन मेंबर और इंस्टीट्यूशनल मेंबर, ये तो बनते हैं मतदान के माध्यम से। अब बिना मतदान के व्यक्तिगत सहयोगी और संस्थागत सहयोगी, ये बनते हैं भैया जी बिना मतदान के। तो इनको भी आप आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, यहां गलती नहीं करनी है। बात करते हैं इफ्ला की पब्लिकेशन की, जो कि फिर से मैं बता रहा हूं आपको, मैं साथ में बताते हुए चलता हूं कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम है। तो आप यह समझ लेना जो पब्लिकेशन इफ्ला के हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, एक बार नजर मार लीजिएगा वैसे ही सही हो जाएंगे। याद करने वाला इनमें कुछ वैसा है नहीं, ना कुछ एक दूसरे में उलझने वाला है। चलिएगा देखते हैं इफ्ला जर्नल, बोले सर त्रैमासिक है, ठीक है, इफ्ला एनुअल, इफ्ला ट्रेंड्स, इफ्ला मीडियम टर्म्स प्रोग्राम, इफ्ला कानून और प्रक्रिया के नियमों का प्रकाशन भी करता है, इफ्ला विभागीय और अनुभागीय समाचार पत्र का प्रकाशन भी करता है। ये थोड़ा सा देख लेना भाई, विभागीय और अनुभागीय ये देख लेना, इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज, विभागीय और अनुभागीय समाचार पत्र, ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। इफ्ला प्रोफेशनल रिपोर्ट्स सीरीज, ये भी आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, इफ्ला प्रोफेशनल सीरीज, प्रोफेशनल रिपोर्ट सीरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इन छोटी मोटी चीजों को, अगर समय कम है तो स्किप कर देना, अदरवाइज एक बार नजर मार लोगे तो भी ये चीजें याद हो जाएंगी। बात करते हैं गवर्नेंस की, और ये गवर्नेंस बहुत आवश्यक रूप से पढ़ लेना आप, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और गवर्नेंस की जो बॉडीज है, कौन कौन से निकाय हैं जो इफ्ला का गवर्नेंस देखती है, तो उनमें भी आप सबसे इंपॉर्टेंट इसे मान लेना भाई, असेंबली को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, वो क्या है देखिएगा, सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी, क्वेश्चन आता है इफ्ला की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी कौन सी है? आप कहेंगे सर असेंबली है, विधानसभा है। अगर आपने पहले असेंबली नहीं पढ़ा है तो आप किसी भी हालत में ये क्वेश्चन आने पर असेंबली पे तो टिक नहीं करेंगे, आपको लगेगा बोले यार विधानसभा ये थोड़ी प्रशासन करती होगी, तो इसलिए आप यहां नहीं करते हैं, जबकि यह इफ्ला की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है, याद कर लेना। इसमें वोटिंग मेंबर शामिल होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, चार ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा और नहीं है करके आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना। इसमें जो वोटिंग वाले मेंबर थे वो शामिल होते हैं, बिना वोटिंग वाले नहीं होते हैं, उल्टा दे देता है इसमें। यह गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष, अभी हम पढ़ेंगे, अभी असेंबली देख रहे हैं, इसके बाद गवर्निंग बोर्ड पढ़ेंगे, वो भी प्रशासन देखती है ना, तो गवर्निंग बोर्ड का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का और सदस्यों का चुनाव भी करती है, और असेंबली करती है, तो गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का ही चुनाव कौन करती है? आपकी असेंबली करती है, ठीक है, बोले सर। चलिएगा, यह सामान्य और व्यावसायिक जो भी निर्णय होते हैं उन पर भी विचार करती है, सामान्य निर्णय हो भले ही कोई व्यावसायिक निर्णय हो, उनके ऊपर भी क्या करती है? विचार करती है। चलिएगा, अब देखते हैं हम गवर्निंग बोर्ड को, गवर्निंग बोर्ड के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखिएगा। गवर्निंग बोर्ड असेंबली के द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के भीतर, अनुमोदन कौन करता है? असेंबली। तो गवर्निंग बोर्ड जो है असेंबली के द्वारा अनुमोदित जो भी दिशा निर्देश हैं उनके भीतर इफ्ला के प्रबंधकीय और पेशेवर निर्देशन के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? गवर्निंग बोर्ड जिम्मेदार है। अनुमोदन कौन करता है? बोले सर असेंबली करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका गवर्निंग बोर्ड है असेंबली के अधीन रहकर ही कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रोफेशनल कमेटी, द कोर प्रोग्राम्स कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स,
ये सारे के सारे इतला का प्रशासन देखते हैं। तो यहां से आपको इक्वेशन गलत मत करिएगा। अब चलते हैं इफला के द्वारा कौन कौन से समय समय पर प्रोग्राम चलाए गए थे और इन सभी प्रोग्रामों का वर्ष आपको याद करना है। दो चीज यहां से याद करनी, और कुछ याद हो ना हो कोई बात नहीं। एक तो यह याद करना है कि यह प्रोग्राम किसका है। बोले सर इफला का प्रोग्राम है, इफला पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत बता ही दो। एक याद करना है यह प्रोग्राम कब चलाया गया था और इसका पूरा नाम क्या है, बस इतना ही याद करना है, यही पूछा जाता है। चलिएगा सबसे पहले हम याद करते हैं यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था। अब सारे क्वेश्चन है ये बने, ये सब के सब क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ही मैंने इस रूप में लिख दिया है, ये मान लो आप। तो यूनिमार्क स्ट्रेटेजी प्रोग्राम, देखो यूनिमार्क भी तो इफला का ही था, यूनिमार्क साथ साथ है ना, अपन याद करते हैं ना। तो खैर वो तो अलग पढ़ेंगे हम जब कैटालॉगिंग देखेंगे, उस समय देखेंगे उसको। तो फिलहाल तो आप यहां देख लीजिएगा यूनिमार्क स्ट्रेटेजी प्रोग्राम किसका था। बोले सर इफला का है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। उद्देश्य नहीं पूछा जाता है इस यूनिमार्क स्ट्रेटेजी प्रोग्राम, मतलब ये उद्देश्य ही है यूनिमार्क की स्ट्रेटेजी का प्रोग्राम, इसमें कुछ ज्यादा देखने वाला है नहीं। अब ये देखो जी एलडीपी प्रोग्राम बहुत बार पूछा जाता है किसका प्रोग्राम है और कब चलाया गया था, ये दो चीज तो बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे सर इफला का प्रोग्राम है, एलडीपी पूरा नाम क्या है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बार बार ये पूरा नाम पूछा जाता है, तो ये पूरा नाम आप अवश्य ही याद कर लेना, एलडीपी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दो से तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। लारा बोले डीपी, अरे बोले डीपी लाऊंगा तो तेरह बारह और तेरह साथ ही हो जाएगा, है ना, डीपी जानो ना ट्रांसफॉर्मर, तो बारह और तेरह डीपी में तो बोले तेरा साथ ही हो जाएगा ना, तो याद कर लेना बेटा 2012-13 में, ठीक है। कनेक्ट करके पढ़िएगा हर एक सन को और हर एक चीज को। यह दुनिया भर में पुस्तकालयों, पुस्तकालय संघों और साथी पुस्तकालय पेशेवरों के लिए काम करता है। कौन काम करता है, एलडीपी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब आया, बोले सर 2012-13 में। बात करते हैं सीएलएम प्रोग्राम की। सीएलएम देखिएगा, यहां से अगर आप इनके पूरे नाम याद कर लोगे तो नीचे इनकी व्याख्या देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। CLM प्रोग्राम किसने चलाया था, सबसे पहले आप बताएंगे, बोले सर इफला ने चलाया था। इसका पूरा नाम क्या है, तो अब आप कहेंगे बोले सर कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर एडवाइजरी कमेटी, जो कॉपीराइट से संबंधित है, जो लीगल मैटर है उनके ऊपर एडवाइज देता है किसको, इफला। बस सारी व्याख्या यही होगी, एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति है इफला की। तो देखिएगा यह इफला की सलाहकार समिति है और उसके बाद इफला को सलाह देने के लिए इसे बनाया गया है, नाम में ही सारे अर्थ छुपे हुए हैं। यह कानूनी मुद्दों, देखा था ना अभी लीगल, यह कानूनी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व भी करती है कानूनी मुद्दों पर। तो ये सारी चीजें उसके पूरे नाम में ही छुपी हुई है। आप सभी प्रोग्रामों का पूरा नाम याद कर लो, आंसर सबके आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं फैफ एडवाइजरी कमेटी की। अगर आपको पूरे नाम इनके याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इनसे संबंधित गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो जी कैसे, फैफ का पूरा नाम देखिएगा सबसे पहले, तो फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच की आजादी, सूचना तक पहुंच की आजादी, एंड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना तक पहुंच की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी। यह प्रोग्राम किसने चलाया था, आप कहेंगे बोले गुरु जी इफला ने चलाया था, इबला रे बोले आजादी है। स्थापना की बात करें फैप कमेटी की या फैप समिति की स्थापना कब हुई थी, बोले फैप यार नसम है कि
फेप यार, फेप यार, नशा में है के, तो नशा ने और सात, नौ और सात 1997 में, ठीक है सर, बोले कर देंगे। चलिएगा थोड़ी सी व्याख्या और देख लीजिए इसकी। यह समिति लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियनशिप से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचना तक पहुंच की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। पूरा नाम अगर आपको याद है तो आराम से इसको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। चलो जी, पैक बोले पैक चोर ले, पैक पैक चोर सी रहे, बोले चोर सी, पैक चोर सी रहे, हाँ तो चेर चोर सी से चौरासी, तो पैक समिति कब आई थी, 84 में। चलो जी ये तो हो गया। अब इसका पूरा नाम भी PAC, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ये बात करता है सुरक्षा की, बस सुरक्षा की बात करेगा, जो भी अपनी पाठ्य सामग्री है उसकी सुरक्षा की बात करता है, फटने से बचाने की बात करता है, कीड़े मकोड़ों से बचाने की बात करता है। चलिएगा खैर, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है बोले सर। स्थापना 1984, पैक आप उस हिसाब से कर ही लोगे। PAC संरक्षण के मुद्दों पर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित और पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के लिए विश्वव्यापी सहयोग शुरू करता है। इतना सा याद रख लो, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, भाई सुरक्षा की बात हो रही है, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं ALP की। ALP का पूरा नाम क्या है, हालांकि 2004 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, दोनों नाम हम देख लेते हैं। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, 1984 के अंदर एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम द एडवाइजरी ऑफ लाइब्रेरियनशिप। बाद में 2004 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम। लाइब्रेरी प्रोग्राम के माध्यम से विकास के लिए कार्रवाई, फोर के लिए, लाइब्रेरी प्रोग्राम के माध्यम से विकास के लिए कार्यवाही, प्रोग्राम किसने चलाया था, आप कहेंगे बोले गुरु जी इफ्ला ने चलाया था। कब चलाया था, आप कहेंगे 1984 में चलाया गया था। आप कहेंगे इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, तब बता देना 2004 में इसका नाम परिवर्तित हुआ और वर्तमान नाम अस्तित्व में आया था, ठीक है बोले। बात करते हैं IAP, ये प्रोग्राम है, पढ़ना ही पड़ेगा, एक से दो बार देखोगे ये चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी, क्योंकि इफ्ला के प्रोग्राम मिक्स नहीं होते हैं, अलग ही दिखते हैं। IAP इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कब चलाया गया, 2016 में चलाया, किसने चलाया था, आप कहेंगे सर इफ्ला ने चलाया था। अब इसके बाद तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, UBC, UAP और UDT, और आपको इनकी सन बहुत सी पुस्तकों में अलग अलग मिलने वाली है, इसलिए मैं पहले ही आपको आगाह कर दूं, मुझे कॉल और मैसेज मत करना, जो दे रहा हूं वह सबसे ऑथेंटिक है, शक बिल्कुल मत करना। हाँ मैं मानता हूं हर किताब में अलग अलग मिलेगा, बहुत सी UBC मैं बताऊंगा 1974, आप बहुत सी किताबों में 82 पढ़ोगे, 81 पढ़ोगे, 73 पढ़ोगे, है ना, तो ये अलग अलग देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा UDT तो आप इनका 81 पढ़ क्या होगा, मैं बताऊंगा 85। आप कहोगे UAP तो मैं इसका 76 बताऊंगा, आप 73 पढ़ क्या होगे, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना, और मैं बता रहा हूं वो सबसे सटीक है ये मान के चलना। अब आप भी समझते हो कि मुझे मालूम है कि किस बुक में क्या दे रखा है, उसके बाद भी मैं ये लिखवा रहा हूं, तो इसका कोई तो औचित्य होगा यार। मुझे वो एक अलग बात है कि मुझे मालूम नहीं हो, अनभिज्ञता में मैं लिखवा दूं, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने आपको ये भी बताया कि अलग अलग डेट है, अलग अलग वर्ष दे रखे हैं, फिर भी मैं ये लिखवा रहा हूं। चलिएगा, UBC यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, UBC, और UBC कब आया था और किसके द्वारा चलाया गया था, आप कहेंगे बोले सर इफ्ला का तो प्रोग्राम है,
और याद चलो इतना जरूर कर लेना, ऐसे याद कर लेना इसको, 1973-74 ये तो फिर भी चलने वाली बात है, 73-74 तो चल जाए, लेकिन कुछ लोग इसको 81 बता देते हैं, 81 ये हजम नहीं होता, ये हजम नहीं होता। तो याद कर लेना यूबीसी का नाम आते ही 73-74 याद कर लेना, बाद में 2003 में ये बंद हो जाता है, पिंड छूट जाता है बोले, ठीक है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इसका पूरा नाम है। और अब देखिएगा, देखिएगा बाद में यूबीसी आईएम के संबंध में भी पूछा जाता है, बोले ये कब आया था, आप कहेंगे सर 1986 में, कौन कौन यूबीसी और आपके आईएम से, देखो यही का ये रहा आईएम इंटरनेशनल मार्क, कब बोले 1986, और फिर बाद में यूबीसी आईएम भी बंद कर दिया जाता है 2003 में। इफ्ला के बहुत से प्रोग्राम या फिर मैं ये कहूं कि अधिकतर प्रोग्राम 2003 में बंद कर दिए जाते हैं, देख रहे हो ना अभी शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं 2003 में बंद हो रहा है। चलिएगा अब बात करते हैं यूएपी की, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन, ले लो ये भी बंद हो गया 2003 में। यूएपी आता है 1976 में, मैंने अभी आपको बताया यूबीसी 74, यूएपी 76, यूडीटी 85, तीनों की सन याद होनी चाहिए, और ये भी बंद हो गया आपका 2003 में, पूरा नाम यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन, ठीक है। उपयोगकर्ता को प्रकाशित सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु, उपयोगकर्ता जो भी हैं उनको विश्व के अंदर जो भी प्रकाशित सामग्री है वह उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था, ठीक है, कहीं पर भी कोई सामग्री प्रकाशित हो रही है वह उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। अब यह पूछा जाने लग गया है आजकल, इस प्रोग्राम को होस्ट किसने किया, मेजबानी किसने करी थी इसकी, आप कहेंगे सर ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा इसे होस्ट किया गया था, आजकल यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पता नहीं मैंने कहीं पर सेट के पेपर में यह क्वेश्चन देखा था कि यूएपी की मेजबानी किसने करी थी, आप बताइएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी। चलिएगा बात करते हैं यूडीटी, पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेलीकम्युनिकेशन, यूनिवर्सल डेटा फ्लो और याद कर लेना टी से टेली कम्युनिकेशन, प्रारंभ 85 मैंने पहले बताया आपको, नेशनल लाइब्रेरी कनाडा, और नेशनल लाइब्रेरी जो कनाडा की है वो कहाँ है, आपके ओटावा में है, ठीक है। बोले सर पूर्व नाम क्या था इसका, ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो, ये भी पूछा गया है यूटीटी का पूर्व में क्या नाम था, ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो, ऐसे भी पूछा गया है ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो किस प्रोग्राम का पूर्व नाम था, तो आप कहेंगे सर यूडीटी का था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं यूनिमार्क की, यूनिमार्क सात सात, ठीक है, बोले बंद हो जाता है 2003 में, 77 में प्रारंभ होता है। उसके बाद यूनिमार्क सेकंड आता है 1980 में, यूनिमार्क हैंडबुक 83 में, यूनिमार्क मैनुअल 87, ये तीनों सन याद कर लेना जरूरी है तीनों, यूनिमार्क 77, यूनिमार्क सेकंड आया 80 में, यूनिमार्क हैंडबुक 83 में और यूनिमार्क मैनुअल 87 में, तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए, ये जरूरी है भाई, ये सारी सन याद करनी पड़ेगी। क्या उद्देश्य था यूनिमार्क का, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसियों के बीच मशीन पठनीय रूप में डेटा को अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना, तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए, हालांकि जब हम बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां इसको फिर से देखेंगे। एक आता है ICADS, एक आता है ICABS, ABS वाला 2003 में आता है, ADS वाला 2008 में आता है, जो ABS था उसी का उत्तराधिकारी है आपका ICADS, पूरा नाम क्या है देखिएगा, आई और सी, आई से हो जाएगा इपला और सी से हो जाएगा आपका CDNR, ये दोनों के बीच का अलायंस है, अलायंस है दोनों के बीच का, गठबंधन है दोनों के बीच का, किसके लिए, डिजिटल स्ट्रेटेजीज के लिए,
किन किन के बीच? इप्ला के और सीडीएनएल के बीच अलायंस हुआ था, गठबंधन हुआ था, किसको लेकर? डिजिटल स्ट्रेटेजी को लेकर। अब सीडीएनएल का पूरा नाम क्या है वो भी देख लो, कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज, ये याद कर लेना भाई। यह इप्ला व सीडीएनएल का संयुक्त गठबंधन था, नाम से ही पता चल रहा है ना, ये तो ICADS, इप्ला और सीडीएनएल का अलायंस है डिजिटल स्ट्रेटेजी को लेकर। अब वो देखिए क्या है ICABS, तो यह भी वही चीज है, आईसी से तो क्या हो गया वही आपका इप्ला और सीडीएनएल, ऐसे हो गया आपका अलायंस, बस फर्क यहां है ये बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स के लिए अलायंस हुआ था, इतना सा याद करना है। ये 2003 में था, इसी का वह क्या था दूसरा रूप था, इसी के स्थान पर ICADS आया था, ठीक है। आपसे पूछे ICABS 2003, ICADS तो आप कहेंगे 2008, ये कब आया था 2008 में, और ये वाला है 2003 में। BS का मतलब हो जाएगा बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड, और आपके DS का मतलब हो जाएगा डिजिटल स्ट्रेटेजी, बस इतना ही चेंज है। ICABS का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप कहेंगे सर ICADS था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं ऊपर में। बात करते हैं L, M और W की, किसका प्रोग्राम है? आप कहेंगे सर इप्ला का प्रोग्राम है, और इप्ला ने यह प्रोग्राम 2017 में चलाया था, ठीक है। पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड, इसका पूरा नाम है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, और पूछा भी इतना ज्यादा नहीं जाता। उसके बाद देखते हैं इप्ला नेट को, और इप्ला नेट कब चलाया गया था, यह कब आया था 1993 में, यह कनाडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा होस्ट किया गया था, यह जरूर याद कर लेना कहा गया कनाडा, ये रहा कनाडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा होस्ट किया जाता है। वर्तमान में इनिस्ट के द्वारा इसे होस्ट किया जाता है, इनिस्ट के द्वारा, और इनिस्ट कहां पर है? फ्रांस में है। इनिस्ट का पूरा नाम भी पूछा जाता है इसलिए मैंने दे दिया है, इंस्टीट्यूट डी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक एंड टेक्निक, इंस्टीट्यूट डी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक एंड टेक्निक, इंग्लिश भाषा में यह नहीं है ध्यान रखना, फ्रांस की भाषा में यह पूरा नाम लिखा गया है, कहीं कहीं ऐसे मत बोल देना बोले गुरुजी इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग ही गलत है ना, टेक्निक की स्पेलिंग ही गलत है गुरुजी, तो ये देख लेना भाई थोड़ा सा, बाकी तो खैर आप समझदार हैं ऐसी हरकत तो नहीं करते हैं। बात करते हैं WILC अर्थात वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जो इफ्ला की कॉन्फ्रेंस होती है वो कब कब कहां कहां होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आजकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2023 में इफ्ला की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी थीम क्या थी, 22 में हुई उसकी थीम क्या थी, 19 में हुई उसकी थीम क्या थी, हालांकि ज्यादा नीचे तो नहीं जाना है अपने को, लेकिन जो 22-23 वाली है उनको आप थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, चलिएगा। और वैसे देखिएगा इधर अगस्त और सितंबर में इफ्ला की जो ये कांग्रेस होती है ना वो हर बार अलग स्थान पर होती है, और लगभग अगस्त और सितंबर में ही यह आयोजित होती है, यह भी आप ध्यान रखना, अलग अलग स्थानों पर होती है। चलो बात करते हैं 2019 वाली की, कहां आयोजित हुई थी, बोले सर एथेंस में आयोजित हुई थी, इसकी थीम क्या थी, बोले सर इसकी थीम यह वाली थी, लाइब्रेरी डायलॉग फॉर चेंज। लेकिन अब यह इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यह बीत चुका है और काफी टाइम हो गया, 20 में आपका कोविड आ गया था तो कोविड वाली आयोजित हुई नहीं, डबलिन में आयोजित होनी थी लेकिन बाद में कोविड की वजह से कैंसिल हो जाती है तो आपका पिंड छूट गया, याद नहीं करनी पड़ी। 21 वाली कोविड गया नहीं था अभी भी था तो ये वर्चुअल रूप से हुई थी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इप्ला की कौन सी कॉन्फ्रेंस पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित हुई थी, तो अब आप कहेंगे सर 2021 वाली, थीम क्या थी, लेट्स वर्क टूगेदर फॉर फ्यूचर, यह 2021 वाली की थीम थी जो वर्चुअल रूप से आयोजित हुई थी, इसलिए यह वाली याद करनी है क्योंकि वर्चुअल रूप से होने वाली पहली कांग्रेस यही थी इप्ला की। चलिएगा 2022 वाली डबलिन आयरलैंड में, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 वाली याद कर लेना भाई।
23 वाली, ये आपके रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुई थी 2023 वाली, और अभी आपने देखा था आयोजित कब होती है, अगस्त सितंबर के महीने में। तो ये 21 से 25 अगस्त 2023 को रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुई थी। अब इसकी थीम आपको याद करनी पड़ेगी, थीम क्या थी बोले, लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी, जो 2023 वाली इपला की कांग्रेस हुई थी उसकी थीम थी। तो ये थीम भी आप जरूर याद करिएगा, ये भी आप याद करना, 21 से 25 अगस्त 2023 को बोले आयोजित हुई थी। कहां हुई थी बोले सर, रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुई थी। ठीक है, बात करते हैं FRBR मॉडल। देखो सीधा सीधा पूछा जाता है FRBR मॉडल, हम जब बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी डिटेल से FRBR को पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इतना जान लो कि FRBR मॉडल किसने दिया था, आप कहेंगे इथला ने दिया था, बस वहां इसे कंप्लीटली पूरा टॉपिक है ये पढ़ेंगे अपन। चलिएगा, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने क्वेश्चन के रूप में ही इसे दे दिया है, गाइडलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है, आप बताना सर, इफला करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रकाशन, बोले इफला करती है। ये कुछ क्वेश्चन है इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है आपको। कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं, तो आप बताना सर, एक तो इफला करता है और एक यूनेस्को, दोनों के दोनों संयुक्त रूप से करते हैं डिजिटलीकरण और संरक्षण के ऊपर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो इफला और यूनेस्को करते हैं। बोले इफला किसका भाग है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ICBS का भाग है। अब ICBS का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द ब्लू शील्ड, पूछा जाता है ICBS का नाम इसलिए मैंने लिखा है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द ब्लू शील्ड, देखते ही पहचान जाओगे। अब सिस्टर लाइब्रेरी, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इतना ही पूछा जाएगा, सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसके द्वारा पेश करी गई थी, बस आप कहना सिस्टर इबला बोले, है ना, तो इफला के द्वारा। यह बच्चों के पुस्तकालयों के लिए इफला सेक्शन लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट्स का एक कार्यक्रम है, इतना आप जरूर याद रखिएगा। चलिएगा, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।